करोगे प्लीज चार्ज कनेक्ट ना, आप लोग आराम से कनेक्ट करें। शोर रुकना नहीं चाहिए। सभी टीचर कोऑर्डिनेटर्स के लिए फिर से अनाउंसमेंट, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा अगर अंतिम के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे टॉप थ्री पर। आर यू एक्साइटेड फॉर टॉप? हैज सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन इन कैटेगरी ए फ्रॉम 7 to 9 इन की थीम थी वर्ल्ड फादर्स डे। एक बार जोरदार तालियां फॉर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आलम समी फ्रॉम दुबई ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल। आई गेस आप इनकी कामयाबी से खुश नहीं है, शोर मचाइए प्लीज इनके लिए। फारूक फ्रॉम पैरामाउंट स्कूल हैज द टॉप थ्री ऑफ कैटेगरी बी ऑन द सेकेंड रनर अप। इट मीन्स द थर्ड पोजिशन वी हैव मिस जोया फ्रॉम टाइनी हार्ट स्कूल।
इनके लिए एंड देन हाउ कैन वी फॉरगेट द अमेजिंग परफॉर्मेंस आर्ट और देश ऐसी दो चीजें हैं जो हमें जोड़ती हैं और यहां पे आके आपने इतने जोश के साथ इतना अच्छा पेंटिंग कंपटीशन किया तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। जो कुछ हम आपके लिए कर पा रहे हैं बहुत कम है, कोशिश करेंगे कि आगे और भी कर पाए। हम करते रहेंगे आपका इसी जोश और हौसले के साथ। We all know that we are celebrating 25 years to the victory of Indian Army over our adversaries. We've decided to, you know, have a number of events planned. One of them is this painting competition. As we all know, the art connects us all. Art is equal to the nation. So this is it. We'll see you soon for more such events. देश और आर्मी पे विश्वास बढ़ चुका है जनता का और हम सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में जो आर्मी ने काम किया है उससे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बड़ा है हमारी पॉपुलेशन का और हमने देश को एक लेके किया है और आर्मी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे इवेंट्स और भी होते रहेंगे, हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की। एक इंक्लूसिव थ्योरी है हमारे सारी हायरार्की की, उसी तरीके से हमारा जो रोड मैप है यही है कि सबको साथ लेके चलना है और कश्मीर का रीबिल्ड और कश्मीर को आगे अच्छा बनाना। ज़रूर हर चीज़ की शुरुआत होती है और शुरुआत काफ़ी पहले से हो रखी है। बच्चों को सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो एज होती है जहाँ पर आप अपने लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत यंग से यंग बच्चे को एड्रेस करें और उसे सही राह पे ले जाएं। ऑफकोर्स जो एजुकेशन बोर्ड है उनके साथ हम रेगुलरली टच में रहते हैं और आर्मी की अपनी एक जो पहुंच है उसको हम यूज़ करते हैं और एजुकेशन बोर्ड के साथ मिलकर, जैसे क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर भी हमने अभी आगे के क्रिकेट कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज़ करने का एक डिसीजन लिया है। तो हमको आइसोलेशन में आर्मी के साथ नहीं करना है, हम चाहते हैं कि जेएनके के जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर हम ये चीज़ें करें ताकि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो एक लार्जर स्केल पर आ सकें। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।